हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आरपीएससी के जो अलग अलग एग्जामों में जो बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे हुए हैं उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का उत्पादन कहाँ होता है? तो मानव मस्तिष्क में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का उत्पादन होता है कोरॉइड प्लेक्सस में। कहाँ होता है? कोरॉइड प्लेक्सस में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का उत्पादन होता है मानव मस्तिष्क में। सेकंड क्वेश्चन है कि कुछ ये सेल है, वो वाली सेल ये कौन से अंग में पाई जाती है? ये कुछ सेल दी हुई है, उनके सामने अंग दिए हुए, ये वाली सेल कौन से अंग में पाई जाती है ये बताना है। ओके, तो इसमें ना अपन को मालूम है कि जो एपेंडिडाइमल सेल है ना, कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में पाई जाती है। एपेंडिडाइमल सेल ब्रेन में पाई जाती है, ये एकदम करेक्ट मैच है। पेराइटल सेल कहाँ पाई जाती है? स्टोमक में पाई जाती है, ये भी एकदम करेक्ट है। तीसरा, पैरा फॉलिकुलर सेल कहाँ पाई जाती है? थायराइड में पाई जाती है। पैरा फॉलिकुलर सेल कहाँ पाई जाती है? थायराइड में पाई जाती है। यहाँ क्या दिया हुआ है? टेस्टिस, ये गलत है। थायरोट्रॉप सेल कहाँ पाई जाती है? एंटीरियर पिट्यूटरी में पाई जाती है। थायरोट्रॉप सेल पाई जाती है एंटीरियर पिट्यूटरी में, तो ये भी गलत है। तो इसमें जो गलत ऑप्शन है वो कौन से है? पैरा फॉलिकुलर सेल और थायरोट्रॉप सेल्स, 3 और 4। तो इसमें गलत ऑप्शन है 3 और 4। 3 और 4 किसमें दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आंतरिक कर्ण का भाग कौन नहीं है, मतलब कौन सा है जो कि आंतरिक कर्ण का भाग नहीं है। ओके, तो अपन को पता है कि जो कोकलिया है वह भी आंतरिक कर्ण का भाग होता है। कोकलिया आंतरिक कर्ण का भाग है। सेमी सर्कुलर कैनाल, वो भी आंतरिक कर्ण का भाग है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, वो ये भी आंतरिक कर्ण का भाग होता है। लेकिन जो अपन कोंका है होता है ना, कोंका, वो आंतरिक कर्ण का भाग नहीं होता है। कोंका आंतरिक कर्ण का भाग नहीं होता है। इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 4, नेत्र में रोड्स और कोन्स कहाँ पे एब्सेंट होते हैं? तो रोड्स और कोन्स है ना, आँख में कहाँ पे एब्सेंट होते हैं? जहाँ पे रोड्स और कोन्स एब्सेंट होते हैं ना, उस भाग को क्या कहा जाता है? ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहा जाता है? ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट आँख में ऐसी जगह है जहाँ की रोड्स एंड कोन्स एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमन में ओविडक्ट के किस भाग में फर्टिलाइजेशन होता है? तो मानव शरीर है उसमें ओविडक्ट के किस भाग में फर्टिलाइजेशन होता है? तो फर्टिलाइजेशन होता है एम्फुला भाग में। कौन से भाग में होता है फर्टिलाइजेशन? एम्फुला भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिफिलिस, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, वो किसके द्वारा होता है? सिफिलिस रोग होता है जो कि एक एसटीडी रोग है, वो किसके द्वारा होता है? सिफिलिस रोग जो कि एक एसटीडी रोग है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है ट्रेपोनिमा पैलिडम के द्वारा। सिफिलिस रोग होता है ट्रेपोनिमा पैलिडम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेशी तंतु में दो निकटवर्ती जेड लाइन के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? दो निकटवर्ती जेड लाइन के बीच की दूरी को कहा जाता है सार्कोमियर। क्या कहा जाता है? सार्कोमियर। दो निकटवर्ती जेड लाइन के बीच की दूरी को कहा जाता है सार्कोमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे प्रोटोजोआ जो कि कुछ कीटों में सेलुलोज का पाचन कराते हैं, ऐसे प्रोटोजोआ कि जो कि दूसरे कीटों में पाए जाते हैं और उन कीटों में सेलुलोज का पाचन करवाते रहते हैं, ऐसे प्रोटोजोआ का नाम क्या है? ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा एक प्रोटोजोआ है और ये दूसरे कीटों में पाया जाता है और उन कीटों में सेलुलोज का पाचन करवाने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से डीएनए में लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स प्रेजेंट होता है? कौन सा डीएनए होता है जिसमें कि लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स प्रेजेंट होता है? तो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स प्रेजेंट होता है जेड डीएनए में। किसमें होता है? जेड डीएनए में लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नैपड्रैगन में F2PD में लाल, गुलाबी और सफ़ेद
फूल वाले पौधों का अनुपात 1:2:1 पाया जाता है। ऐसा ये किस चीज़ को दर्शाता है? इसका आंसर है जो 1:2:1 ये अनुपात किसको दर्शाता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। किसको? इनकम्प्लीट डोमिनेंस को दर्शाता है। तो स्नैपड्रैगन उदाहरण किसका है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का उदाहरण है स्नैपड्रैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रिंग वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? देखो, नाइट्रोजनस बेस दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। तो जो प्यूरिन होते हैं वो होते हैं एडिनिन और ग्वानिन, जबकि जो पिरिमिडिन होते हैं वो साइटोसिन और थायमिन। जो प्यूरिन होते हैं वो क्या होते हैं? उनमें कितनी रिंग पाई जाती है? दो रिंग पाई जाती है। जबकि जो पिरिमिडिन होते हैं उनमें कितनी रिंग पाई जाती है? एक रिंग पाई जाती है। प्यूरिन में दो रिंग पाई जाती है जबकि पिरिमिडिन में एक रिंग पाई जाती है। तो प्यूरिन इसमें पूछा है कि एक रिंग वाले यौगिक, तो एक रिंग वाले यौगिक क्या होंगे? पिरिमिडिन। तो पिरिमिडिन और पिरिमिडिन होते कौन कौन से है? पिरिमिडिन होता है साइटोसिन और थायमिन। तो एक रिंग वाले यौगिक होंगे पिरिमिडिन। पिरिमिडिन कौन से? साइटोसिन और थायमिन। तो इसका आंसर हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीआरएनए किसके द्वारा अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज एंजाइम की पहचान करता है? टीआरएनए के पास ऐसा क्या होता है जिसके कारण कि वो अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम की पहचान कर पाता है? तो उसके पास होता है डीएचयू लूप। इस डीएचयू लूप के कारण ही जो टीआरएनए होता है वो अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम की पहचान कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में कितने क्रोमोसोम होते हैं? टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में क्रोमोसोम होते हैं 45, उसमें एक क्रोमोसोम कम पाया जाता है। नॉर्मल आदमी में तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, जबकि जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित होता है उसमें 45 होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जेनेटिक कोड द्वारा एक विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोडित किया जाता है। जेनेटिक कोड की इस गुण को क्या कहते हैं? मतलब एक कोडोन होता है वो एक विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोड करता है, ये वाला गुण क्या कहलाता है? ये वाला गुण कहलाता है नॉन एम्बिगुअस। जेनेटिक कोड का ये वाला गुण कहलाता है नॉन एम्बिगुअस, कि एक जो कोडोन होता है एक विशेष अमीनो एसिड को ही कोड करता है, ये वाला गुण कहलाता है नॉन एम्बिगुअस गुण। cDNA लाइब्रेरी के निर्माण में क्या प्रयुक्त होता है? cDNA लाइब्रेरी के निर्माण में mRNA प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? mRNA प्रयुक्त होता है cDNA लाइब्रेरी के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीटिनी या लार ग्रंथि गुणसूत्र किस ऑर्डर के कीटों की लार ग्रंथियों में पाए जाते हैं? पॉलीटिनी या लार ग्रंथि गुणसूत्र पाए जाते हैं डिप्टेरा ऑर्डर होते हैं उसके कीटों की लार ग्रंथियों में पाए जाते हैं। कौन से ऑर्डर? डिप्टेरा ऑर्डर के कीटों की लार ग्रंथियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवित ना उड़ने वाले पक्षी किस ऑर्डर में सम्मिलित किए जाते हैं? जीवित ना उड़ने वाले पक्षी सम्मिलित किए जाते हैं रेटिटी। रेटिटी जो ऑर्डर होता है उसमें सम्मिलित किए जाते हैं जीवित और ना उड़ने वाले, लिविंग फ्लाइटलेस एनिमल को रेटिटी ऑर्डर में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथी पांव रोग किसके कारण होता है? हाथी पांव रोग होता है विचेरेरिया ब्रैंकाइटिस जो होता है निमेटोड उसके कारण होता है। हाथी पांव रोग होता है विचेरेरिया ब्रैंकाइटिस निमेटोड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आर्कियोप्टेरिस का विशिष्ट लक्षण है, इनमें से कौन कौन से आर्कियोप्टेरिक्स के लक्षण हैं? तो फर्स्ट दिया हुआ है कि यह रेप्टाइल्स और पक्षी के बीच की योजक कड़ी है। सही है, आर्कियोप्टेरिक्स रेप्टाइल और पक्षी के बीच की योजक कड़ी होता है।
सेकंड है, इसके अग्रपाद पूरी तरह से पंखों में विभेदित है, तो जो आर्क्योप्टेरिक्स होता है उसके जो अग्रपाद होते हैं वो पूरी तरह से पंखों में विभेदित नहीं होते हैं, उसमें कुछ पंखों में पूरी तरह से विभेदित नहीं हो पाते हैं। थर्ड है, इसकी टेल में फ्री कॉडल वर्टिब्रेट एवं पाइगो स्टाइल पाए जाते हैं, तो ये भी क्या है, गलत है। जो आर्क्योप्टेरिक्स होती है उसकी टेल में फ्री कॉडल वर्टिब्रेट और पाइगो स्टाइल नहीं पाए जाते हैं, तो इन में से सही कौन सा है? सही से पहला है कि आर्क्योप्टेरिक्स रेप्टाइल व पक्षियों के बीच की योजक कड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, मुर्गी पालन में कौन कौन से पक्षियों का पालन सम्मिलित किया जाता है? तो मुर्गी पालन में ना कौन कौन से पक्षियों का पालन सम्मिलित होता है? मुर्गी पालन में टर्की को भी पाला जाता है, गीज को भी पाला जाता है, बतख को भी पाला जाता है, मुर्गी को भी पाला जाता है। तो मुर्गी पालन में इन चारों को पाया जाता है। किसको किसको? टर्की को, गीज को, बतख को, मुर्गी को, इन सभी को पाला जाता है मुर्गी पालन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाइनोडर्मेटा में पाया जाने वाला लार्वा है, तो इकाइनोडर्मेटा में कौन कौन से लार्वा पाए जाते हैं? इकाइनोडर्मेटा में एक ब्रैंक्यूलेरिया लार्वा पाया जाता है, इकाइनोडर्मेटा में ऑफियोप्लूटियस लार्वा पाया जाता है। कौन सा लार्वा? ऑफियोप्लूटियस। इकाइनोडर्मेटा में बाइपिनेरिया लार्वा पाया जाता है, जबकि जो इकाइनोडर्मेटा है उसमें टॉर्नेरिया लार्वा नहीं पाया जाता है। टॉर्नेरिया लार्वा किस में पाया जाता है? हेमिकॉर्डेटा में। टॉर्नेरिया लार्वा पाया जाता है हेमिकॉर्डेटा में। तो इसमें पूछा है कि इकाइनोडर्मेटा से संबंधित लार्वा नहीं है, तो इकाइनोडर्मेटा से संबंधित लार्वा कौन सा नहीं है? वो है टॉर्नेरिया लार्वा। टॉर्नेरिया लार्वा पाया जाता है हेमिकॉर्डेटा में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि टॉर्नेरिया लार्वा किस में पाया जाता है? हेमिकॉर्डेटा में। तो इसका आंसर हो गया टॉर्नेरिया लार्वा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से जंतु समतापीय है, मतलब होमियोथर्मस है। तो होमियोथर्मस कौन कौन से जंतु होते हैं? होमियोथर्मस में आता है एक तो मैमल्स और दूसरा क्या आता है? रेप्टाइल्स। मैमल्स और बर्ड्स। होमियोथर्मस में कौन कौन से जंतु आते हैं? एक तो मैमल्स और दूसरा बर्ड्स। तो होमियोथर्मस समतापी, मतलब जो कि अपने शरीर का तापमान निश्चित रख सकते हैं, कांस्टेंट रख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? होमियोथर्मस। तो होमियोथर्मस में कौन कौन आ गए? एक तो मैमल्स और दूसरा बर्ड्स आ गए। दूसरा आ गए पोइकिलोथर्मस। पोइकिलोथर्मस मतलब असमतापी। असमतापी में कौन कौन से जीव आते हैं? फिश, दूसरा रेप्टाइल्स और तीसरा एम्फीबियंस। फिश, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, ये तीनों क्या है? पोइकिलोथर्मस। पोइकिलोथर्मस को क्या भी कहा जाता है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल। जबकि होमियोथर्मस को क्या कहा जाता है? वार्म ब्लडेड एनिमल। ठीक है, तो इसमें आप उनको पूछा है कि होमियोथर्मस है, मतलब समतापीय जंतु है, तो समतापीय जंतु में क्या आता है? एक तो मैमल्स और दूसरा बर्ड्स। तो अपन ने फर्स्ट एग्जांपल देखा, इसमें मगरमच्छ आ गया। मगरमच्छ तो क्या होता है? रेप्टाइल्स, तो ये होमियोथर्मस हुआ नहीं। सेकंड एग्जांपल देखा, वेल्स मैमल्स होता है, कबूतर भी मैमल्स, चमगादड़ भी मैमल्स, तो ये होमियोथर्मस है, इसके सभी जंतु होमियोथर्मस यानी समतापी है। तीसरा देख लेते हैं, समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा होता है वो न तो मैमल्स होता है और न ही बर्ड होता है। डॉग फिश, फिश आ गई इसमें, ये भी होमियोथर्मस नहीं है। सेलामेंडर, सेलामेंडर क्या होता है? एम्फीबियन। तो इसके सभी जंतु भी होमियोथर्मस यानी समतापी नहीं है, तो इसका आंसर हो गया सेकेंड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि ऐसे प्राणी जो विशिष्ट रूप से समुद्र में रहते हैं और उनमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम व अरीय सममिति पाई जाती है। तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है? वाटर वैस्कुलर सिस्टम एक करैक्टरिस्टिक फीचर है जो किस में पाया जाता है?
इकाइनो डर्मेटा में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है, इकाइनो डर्मेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नॉर्मल रेस्पायरेशन में जो इंस्पायर्ड या एक्सपायर्ड एयर का आयतन क्या कहलाता है। नॉर्मल रेस्पायरेशन में जो इंस्पायर्ड और जो एक्सपायर्ड एयर का वॉल्यूम क्या कहलाता है, इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर का वॉल्यूम कहलाता है टाइडल कैपेसिटी। क्या कहलाता है? टाइडल कैपेसिटी। इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड जो वायु होता है उसका आयतन क्या कहलाता है? टाइडल कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सेट जल में घुलनशील विटामिन का नहीं है, जलीय घुलनशील विटामिन नहीं है, जलीय घुलनशील विटामिन नहीं है, मतलब कि वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो वसा में घुलनशील विटामिन अपन को पता है विटामिन ए डी ई के, ए डी ई के ये विटामिन होते हैं, वो किस में घुलनशील होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन को देखना है अगर कोई ए डी ई के इन चारों में से कोई भी विटामिन मिल जाए ना, तो वो जल में घुलनशील विटामिन नहीं होगा, मतलब वसा में घुलनशील विटामिन होगा। तो अपन को पता है जो रेटिनॉल होता है वो क्या होता है? विटामिन ए होता है। ओके, और है ना जो टोकोफिरोल होता है वो विटामिन ई होता है, टोकोफिरोल विटामिन ई। तो जल में घुलनशील विटामिन नहीं है रेटिनॉल और टोकोफिरोल, रेटिनॉल और टोकोफिरोल ये दोनों विटामिन है वो जल में घुलनशील विटामिन नहीं है, मतलब वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अमाशय की चीप सेल और पेराइटल सेल किस किस का स्थापन करती है। तो चीप सेल होती है वो तो किसका स्थापन करती है? प्रोएंजाइम का। जबकि जो पेराइटल सेल होती है वो किसका स्थापन करती है? एचसीएल का। तो इसका आंसर हो गया सी, चीप सेल स्थापन करती है प्रोएंजाइम, जबकि पेराइटल सेल स्थापन करती है एचसीएल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्मोब्लास्ट क्या होता है। तो नॉर्मोब्लास्ट होता है जो अपरिपक्व आरबीसी होती है उसको ही क्या बोला जाता है? नॉर्मोब्लास्ट। तो नॉर्मोब्लास्ट क्या होता है? अपरिपक्व आरबीसी।